जय उमा महेश। भगवान उमा महेश के चरणों में सादर नमन और कोटि कोटि वंदन। आज इस जूम प्रांगण में उपस्थित आप सब प्यारी प्यारी माताओं को हमारा जय श्री कृष्ण। मातृ दिवस पर विश्व की सभी माताओं को नमन और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए माहेश्वरी मंडल औरंगाबाद सी एस सोनी अंकल जी, औरंगाबाद जिला माहेश्वरी संगठन अध्यक्ष सतीश जी लड्डा अंकल जी, औरंगाबाद जिला माहेश्वरी महिला संगठन अध्यक्ष सुस्मिता जी मुदड़ा, और साथ ही आज की हमारी इस कार्यक्रम की प्रमुख सौ मानसी जी बदादे जो जलगांव से है, और हमारे साथ जुड़े हुए संस्था के सभी अध्यक्ष और सचिव। इन सभी को माहेश्वरी बहुमंडल अध्यक्षा सौ कनकमल शब्द सुमनों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। माता माँ मांगने से पहले ही हर बात को समझने वाली ता, तारे चमकते हैं आकाश में, वैसे बच्चों को हर चीज सिखाकर उनका भविष्य चमकाने वाली ऐसी होती है माँ, माता, मैया, मम्मी, आई, अम्मी। हम पिछले 7 दिन से हम सभी साथ जुड़े हुए हैं। हमने हर दिन कुछ नया सिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने तंबोला खेल खिलाया, जैसे माँ बच्चे के साथ खेलती है। ऐसे हर दिन हमने अलग अलग बातों का ध्यान रखते हुए ये हमारा मदर्स डे इवेंट का आयोजन किया था। आज का हमारा आखिरी सेशन है, जिसमें हम मानसी जी से जानेंगे कि अलग अलग रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सब उत्सुक है आपसे जानने के लिए, और मानसी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका
जो आपने बहुमंडल के लिए समय दिया। हमारी बहुमंडल की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारी सखी अर्चना जी तोशनीवाल, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे खास आप सारी सखियां जो हमारे साथ 7 दिन तक जुड़ी रही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जुड़ते हुए कुछ परेशानियां हुई हो या नेटवर्क प्रॉब्लम भी आया हो, इन सभी बातों के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। साथ ही हमारा 3 दिवसीय मॉर्निंग में जुम्बा सेशन भी हुआ था। आज इस पैंडेमिक पीरियड में घर परिवार के साथ हर स्त्री को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, यह सोचकर हमने यह लिया था, जिसमें हमें सुस्मिता जी संदीप दहाड़, जो औरंगाबाद थाने से है, जो जुम्बा फिटनेस ट्रेनर है, इनका भी हम बहुमंडल की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारी सखी सुचिता जी लोया, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे खास बात, हमारी पूरी टीम बहुमंडल की कार्यकारिणी एवं कमिटी सभी के सहयोग से हम यह 1 वीक मदर्स डे इवेंट पूर्ण सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाए, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सारी बहुमंडल की सदस्य का भी धन्यवाद करती हूँ। जय महेश, धन्यवाद। अभी हम आमंत्रित करते हैं हमारे माहेश्वरी मंडल औरंगाबाद अध्यक्ष सीएस सोनी अंकल जी को, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने आपके शब्दों के आशीर्वचन आप प्रदान करें हमें, तो आमंत्रित है सीएस सोनी अंकल जी। जय महेश, मदर्स डे की सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। बहुमंडल की अध्यक्षा सौ कनक जी मल तथा सचिव सौ स्नेहल जी सोमानी और उनकी टीम हर समय समाज उपयोगी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाती है, इसीलिए मैं माहेश्वरी बहुमंडल को धन्यवाद देता हूँ। मदर्स डे के ओकेजन पर बहुमंडल ने 7 दिन तक अलग अलग प्रोजेक्ट लिए, जिनका रोज के जीवन भरना में बहुत उपयोग होने वाला है, तथा इस कोरोना महामारी में हम स्वस्थ और मस्त कैसे रहेंगे इसके बारे में भी बताया गया है, जिसका सभी को लाभ होगा। जो भी रेसिपियां बताई गई है वह बहुत ही सरल एवं समाज को उसका बहुत लाभ होगा। इस 7 दिन की श्रृंखला को कामयाब बनाने के लिए प्रकल्प प्रमुख का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसीलिए मैं सभी प्रकल्प प्रमुख को धन्यवाद देता हूँ। जय महेश। धन्यवाद अंकल जी, आपकी शुभकामना हमेशा ही माहेश्वरी बहुमंडल को प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़े हुए औरंगाबाद जिला माहेश्वरी संगठन अध्यक्ष सतीश जी लड्डा अंकल, इनको आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। माहेश्वरी बहुमंडल मानव संस्कारों की खान है। सामाजिक रीति रिवाजों को, प्रसंगों को, स्पर्धाओं को अपने कौशल्य से बढ़िया से बढ़िया बनाकर अपनी कलात्मकता का परिचय देती है। इससे औरंगाबाद माहेश्वरी समाज के संगठन का नाम और भी रोशन हो रहा है। मातृ दिवस, यहाँ एक ही पात्र ऐसा है जो शब्दों की करना असंभव ही नहीं असंभव है। मनुष्य के जीवन को संस्कार, शिक्षा, आरोग्य, जीवन जीने की कला जैसे अनेक पहलुओं में माता श्री का अनन्य साधारण महत्व है। नास्ति भार्या सम मित्रा, नास्ति पुत्र सम प्रिया, नास्ति भगिनी सम मान्या, नास्ति मातु समो गुरु। पत्नी के समान कोई मित्र नहीं, पुत्र के समान कोई प्रिय नहीं, बहन के समान कोई माननीय नहीं, और माता के समान कोई गुरु नहीं। इस जगत जननी माँ को
शत शत नमन। मातृ दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। जय महेश। धन्यवाद अंकल जी, आपका सहयोग हमेशा ही हमें मिलता रहता है। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी औरंगाबाद जिला महिला संगठन अध्यक्षा सुस्मिता जी मुंदड़ा इनको। स्मिता जी बहुत कोऑपरेटिव है, हमें हमेशा ही आपका सहयोग मिलता है, आप मिलनसार स्वभाव की है, तो आमंत्रित है स्मिता जी मुंदड़ा। जय उमा महेश। मंचासीन सारे मान्यवर तथा जुम सभागार में जुड़ी मेरी सारी बहनों को मदर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मदर्स डे या कोई भी डे मनाना एक तारीख की मोहताज नहीं है, हम सिर्फ अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई गीत गा के हमारे हमें धन्यवाद करता है, और कोई लिख के, कोई कविता रचा के, अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी मनोकामनाएं रहती कि हम धन्यवाद कैसे व्यक्त करें। और वो भी माँ के लिए तो वो थोड़ा स्पेशल कॉर्नर रहता है। कितनी भी एज हो हमारी, हम बूढ़े हो जाए, पर माँ मैका इनके लिए हमारा सॉफ्ट कॉर्नर कुछ अलग ही होता है। वो शब्दों में बयां करना नहीं जमेगा, किसी को ही नहीं आएगा वो। बहुमंडल ने आज ये 5-6 दिन में जो भी प्रोजेक्ट लिए हैं, बहुत अच्छे 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 प्रोजेक्ट लिए हैं। हमें अचार करना सिखाया है, ऑर्गेनिक मेकअप के प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो सिखाया है, भक्ति भाव से हमें सरोवर किया है, और कड़क धूप गर्मी में हमें ओरिजिनल नेचुरल आइसक्रीम का ठंडक चखाई है, और बहुत सारा कुछ हमें सीखने मिला है ये 5-6 दिन में। और आज ई बैंकिंग का भी उन्होंने सिखाया है, और आज का है ये वाटर कलर थेरेपी की ट्रेनिंग, जो काफ़ी लोगों के लिए ये नया है, पर बहुमंडल हमेशा से ही कुछ नया लेके आती है। और आप सभी को मेरा अभिनंदन, ऐसे ही आप एनर्जेटिक रहे, और बहुमंडल के सभी सदस्य को, अध्यक्ष कनक मल, स्नेहल सोमानी सचिव, और सभी टीम को मेरे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद स्मिता जी, आप सभी की शुभकामना हमेशा माहेश्वरी बहुमंडल का हौसला बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी प्यारी सखी अर्चना जी तोशनीवाल, जो हमें मानसी जी भदादे का परिचय देकर परिचित कराएगी। अर्चना जी तोशनीवाल, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाभी। जय श्री कृष्ण, जय माँ महेश। मैं अर्चना तोशनीवाल, माहेश्वरी बहुमंडल औरंगाबाद की ओर से आज के इस जूम पर मेरी सभी बहनों का हार्दिक स्वागत हूँ तथा सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारा मदर्स डे पर आयोजित 7वां और आखिरी प्रोग्राम है। आज हम इस प्रोग्राम में कलर थेरेपी के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हमें सो मानसी जी गगरानी बदाड़े, जो जलगांव से है, वो बताने वाली है। आपका एजुकेशन बीकॉम एमए बीएड तक हुआ है, आप संगीत विशारद हो, आपको 2018 में शिक्षा गौरव अवार्ड तथा 2018-19 में इंडियन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मानसी, आप 2006 में उज्जवल स्प्राउटर इंटरनेशनल में प्रिंसिपल रह चुकी हो। आप 2003 से 2006 तक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी रह चुकी हो। मानसी जी, आप टीचर्स के लिए इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो, क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप कैसे हो, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेती हो। आप स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम लेती हो, जैसे इफेक्टिव स्टडी मेथडोलॉजी, डीलिंग विथ एडोलसेंट, पेपर सॉल्विंग मेथड्स, ऐसे अनेक प्रोग्राम आप स्टूडेंट्स के लिए लेती हो।
आप कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट्स के लिए मैनर्स एंड एटिकेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन कॉजेस एंड क्योर, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस जैसे ट्रेनिंग हो। आप पेरेंट्स के लिए इफेक्टिव पेरेंटिंग डीलिंग विद जैसे अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेती हो। आप सर्टिफाइड कलर थेरेपिस्ट हो। हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। उसका हमारे मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, अलग अलग रंग की क्या उपयुक्तता हमारे जीवन में है, यह आज हमें मानसी जी बताएगी। मानसी जी, आपका माहेश्वरी बहुमंडल औरंगाबाद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भाभी, बहुत ही अच्छा परिचय देकर आपने हमें परिचित कराया। अभी हम आमंत्रित करते हैं मानसी जी को। नमस्ते कनक जी, सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश, और सभी मम्मियों को वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। आज के दिन कलर थेरेपी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि औरंगाबाद की सभी औरतों से जुड़ने के लिए जो आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए थैंक यू सुचेता। थैंक यू सुचेता, थैंक यू सो मच। कनक भाभी, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मैं आज इन लोगों से जुड़ पा रही हूँ। शीतल भाभी, ऑफ कोर्स आपको भी थैंक यू मैंने बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से शायद मैं इन सबसे मिली हुई हूँ। सो वेल, कलर थेरेपी एक मेरा बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है आपने, वेल थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन ऑल्सो। बट कलर थेरेपी एक बहुत पुराना, मतलब इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो कलर थेरेपी हमारे पास में बहुत पहले से हमारे साथ में है। रंगों का हमारे दुनिया में, हमारे लाइफ में, हमारे बचपन से लेके तो हमारे मरने तक, यू नो, हर चीज में हमारे लिए कलर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हम बचपन में कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, उस खाने का रंग क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल में हम हमारा बेडरूम का कलर या फिर हमारे घर का कलर, हमारे शादी में जो हम कपड़े पहनते हैं, हर रंग का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे सिंपल हम मारवाड़ीज है और हम मारवाड़ी शादी के वक्त पे लाल और वाइट कलर की साड़ी पहनते हैं। सो इन सब कलर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है और ये वैल्यूज को लेके हम आगे चलते हैं। एंड ये कलर्स का मीनिंग ये होता है कि जब हम वो कलर देखते हैं तो आंखों के थ्रू ये कलर्स हमें पेनिट्रेट हो जाते हैं, इनकी जो पावर है वो हमें आ जाती है, और इसीलिए ये कलर्स को हमको बार बार दिखाया जाता है, इन कलर्स को हमारे सामने लाया जाता है। इसीलिए हमारे पूरे दुनिया में जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो कुछ हम कर रहे हैं, उसके हर एक चीज का अपना अलग कलर है। बिना रंगों की दुनिया हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि रंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारी लाइफ में, हमारे हर बिहेवियर में, हर काम में, हर वर्किंग में कलर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में जाइए या फिर होटल्स में, ऑफिस में, कपड़े पहनने का एक अपना अलग तरीका होता है, उनके अलग कलर्स थीम्स होते हैं कि अगर आप कैजुअल्स पहन रहे हो या फिर अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो कौन से टाइप के कपड़े आपने, कौन से कलर के कपड़े आपने पहनने चाहिए। होटल्स में जब आप जाते हो तो नॉर्मली आपको ब्लू कलर के टेबल्स या फिर ब्लू कलर का इंटीरियर बहुत दिखता है। सो इसका भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसलिए हर जगह जहां पे आप देखेंगे तो हर जगह एक कलर को अपना अलग इंपॉर्टेंस दिया गया है। नाउ ये कलर आप अलग अलग तरीकों में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो दवाइयां होती है, दवाइयों के भी अपने अलग कलर्स होते हैं। नाउ दीज कलर्स ऑल्सो हैव लॉट ऑफ मीनिंग। जैसे हरा रंग जो है, हरा रंग लीफी वेजिटेबल्स के लिए हम लोग बोलते हैं, और ये हमारी एसिडिटी बहुत जल्दी हमारी खत्म होती है जब हम हरे रंग को देखते हैं या फिर हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाने में। तो इसीलिए हमारी जो दवाई होती है वो पुदीन हरा है। सो इफ यू रिमेम्बर, हमारी जो दवाई होती है एक पुदीन हरा दवाई होती है। सो वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा अच्छा करती है। सो इसीलिए हमारे दवाइयों को भी एक कलर दिया गया है, ताकि इस कलर की वजह से हम जो दवाई पेट में डालने वाले हैं उसका इफेक्ट प्रॉपर हो हमारे लिए। सो ऐसे हर तरीके में कलर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। कुछ सिंपल टेक्निक्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी कलर थेरेपी में, वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद चक्रास। सो हमारे ना सात चक्रा है, ये हम सबको पता है। क्राउन चक्रा यानी सर, यानी यहाँ पे जो हमारे सात चक्र है, अगर आपको पता होंगे तो क्राउन चक्रा, देन इट इज थर्ड आई चक्रा,
देन इट इज थ्रोट चक्र, देन इट इज हार्ट चक्र, स्टमक चक्र, नेवल चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड देन इट इज रूट चक्र। तो ऐसे हमारे सात चक्र है, सातों चक्रों के अलग अपने रंग है। वैसे ही सेम रंग हमारे इंद्रधनुष में है, रेनबो। रेनबो को अगर इंग्लिश में अगर हम याद करें तो इट इज विप जॉय, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, और सेम कलर्स हमारे चक्रा के हैं। वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो इज योर स्टमक, ऑरेंज एंड देन रेड। सो ऐसे ये सारे कलर्स है हमारे जो ये सातों रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर चक्रा का अपना एक अलग कलर पसंद है। तो अगर हम इस चक्रा से हम उस चक्रा का जो कलर है उसका इस्तेमाल करके अगर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि आपको कुछ बाहर से अलग दवाई आपके पेट में नहीं डालनी है, कुछ अलग नहीं करना है आपको। बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत सारे डिजीजेस, ऑलमोस्ट 1000 से 2000 तक की जो डिजीज, जो प्रॉब्लम्स है आपके बॉडी में, इवन जैसे स्क्विंट आंखें होती है, हम चकण जला मराठी म्हणतो, आई एम सॉरी मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है वर्ड, सो जिसको हम लोग भेंगी आंखें बोलते हैं, हाँ भेंगी आंखें बोलते हैं, तो जिनकी आंखें स्क्विंट होती है, या फिर पलक जब ऐसे लटक जाती है, किसी बच्चे का होता है ना कि एक पलक ऐसे नीचे हो जाती है, सो उसके लिए भी कलर थेरेपी है। सो ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए कलर थेरेपी है। सिंपल, जैसे हम लोग सब लेडीज है और हमारे बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सिंपल। मैंने आपको स्केच पेन्स नहीं बोले थे, लेकिन नॉर्मली कलर थेरेपी जो होती है ये स्केच पेन के इस्तेमाल से करते हैं हम लोग, क्योंकि स्केच पेन्स या फिर मार्कर्स ये सबसे बेस्ट होते हैं। ये स्केच पेन्स या मार्कर्स हम लोग मुंह में नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए बच्चों के साथ में जब हम कलर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों ने ये कलर्स को मुंह में नहीं डालना चाहिए। प्रेफरेबली बच्चों को हम लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं उनको। नॉर्मली हम लोग जो मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ वो शायद मैं बच्चों पे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये कलर्स तुरंत मुंह में जाते हैं, बच्चों की उंगलियां मुंह में चली जाती है, तो इसलिए बच्चों पे इस्तेमाल मत कीजिएगा। लेकिन हमारे लिए 100% वर्क करता है, मैं खुद के ऊपर से बोल रही हूँ, मेरे बहुत सारे बाल वाइट है अगर मैं बता पाऊँ आपको तो, बट देन हाँ कलर थेरेपी की वजह से मुझ में खुद में आई हैव सीन दैट चेंज एंड देर आर कलर्स दैट आर गोइंग ब्लैक, मतलब काले हो जाते हैं। सो सिंपल है, कलर थेरेपी में किसी भी प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन आपको निकालना होता है, स्पेशली जब आपको बालों से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो आपका अंगूठा होता है ना, दोनों अंगूठे के ना, कलर थेरेपी में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो चेहरा होता है वो थंब पे आता है, सो इसीलिए हमारे आंख नाक कान की अलग अलग जगह हम थंब पे लेते हैं, और ये जो पार्ट हो जाता है ये हमारा सर का पार्ट हो जाता है। सो दिस इज आर ब्रेन, यानी ये प्री फ्रंटल है हमारा, तो यहाँ पे प्री फ्रंटल है, तो प्री फ्रंटल से आगे यानी यहाँ पे अगर हमको पेन है तो हमको पूरा जो हमारा अंगूठा है, जैसे अगर आप देख सकते हो तो ये पूरा जो अंगूठा है इसको आपको पूरा ऐसे ब्लैक करके रखना है, ये 8 से 10 घंटे आपको रखना है, और ये रखने के बाद में आपको महीने डेढ़ महीने में इफेक्ट आना शुरू होगा, तो आपको धीरे धीरे आपके बालों के कलर में आपको चेंजेस दिखेंगे, एंड दिस इज फॉर श्योर कि ये चेंजेस होते हैं। ये आपको रात में नहीं लगाना है, दिन में लगाना है, सो रात को सोने से पहले आपको ये कलर निकालना होगा हाथ से, और नॉर्मली मे बी अगर आप सुबह 6 बजे अगर आप हाथ में लगाते हो तो शाम को 6:30-7 बजे तक आपने ये कलर धो लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सिर्फ एक ही होता है कि आपको ये ऐसे कलर थेरेपी में एक जो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको कोई भी कलर लगाने के बाद में आपको मिनिमम 8 घंटे वो कलर अपने हाथों पे रहने देना चाहिए, सो दैट इट विल गिव द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। सो इसीलिए आपको अगर इफेक्ट चाहिए सो ये कलर आपको ऐसे 8 घंटे लगा के रखना है, एंड 8 घंटे लगाने के बाद में ही आपको धोना है। सो एवरी डे अगर आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप हफ्ते में 2 या 3 दिन भी ये कर सकते हो, सो मे बी इफेक्ट थोड़ा लेट होगा बट आपको फायदे जरूर होंगे इसके। सो दिस इज वन सिंपल वे कि अगर आपको हेयर ब्लैक करने हैं तो। इसके अलावा बालों से रिलेटेड और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं हमारे, या तो बाल झड़ते हैं या फिर उसमें क्या हो जाता है, हेयर फॉल होता है, या फिर देन यू हैव बहुत पतले हेयर हो जाते हैं, या फिर
व्हाट डू वी कॉल इट, कोंडा, व्हाट डू वी कॉल इट, डैंड्रफ, या अगर डैंड्रफ हो जाता है तो ऐसी सारी चीजों के लिए भी है. बट देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप, मतलब हम वी वुड प्रिफर टू मीट द पर्सन एंड देन टू डू इट. बट दिस इज सिंपल वे कि आप हाथ पे ये कलर लगा दीजिए, आपको फायदा होगा. अगर हेयर फॉल है तो फिर हेयर फॉल के लिए भी मैं आपको एक सिंपल ट्रीटमेंट बताती हूँ. नाउ देयर आर फोर कलर्स दैट वी रिक्वायर. इट इज रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज. इट इज रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज. सो अभी जैसे मैंने आपको ये थंब पे बताया है, सो नाउ ये हमारे चक्रा कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूं मैं. हेयर फॉल का अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने एक्चुअली थंब पे बहुत ब्लैक कलर लगा दिया, इसलिए आपको मैं थंब पे नहीं बता पाऊंगी. लेकिन ये मैं आपको मेरे राइट इंडेक्स फिंगर पे बताने वाली हूँ, लेकिन ये आपको थंब फिंगर पे यूज करना है आपको इसका. सो थंब फिंगर पे आपको थंब फिंगर जो है आपका, उसके ऊपर आपको क्या करना है, चारों जो कलर्स है, दिस इज ब्लू कलर, ब्लू कलर बाहर की साइड पे, रेड कलर भी बाहर की साइड पे आपको लगाना है. मैं आपको बताती हूँ एक बार लगा के, वंस आई एम डन आई विल श्योरली शो यू. ब्लू कलर के एग्जैक्टली सामने आपका ग्रीन कलर आएगा, और ऑरेंज कलर के सामने, रेड कलर के सामने आपका ऑरेंज कलर आएगा. ये आपको थंब पे करना है, फिंगर पे नहीं करना है, इंडेक्स फिंगर पे नहीं करना है. मैंने थंब पे ब्लैक कलर किया है, इसीलिए मैं आपको ये दूसरे फिंगर पे बता रही हूँ. नाउ अगर आप देखो तो देखिए, ये ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर है, राइट. लाइट थोड़ा ज्यादा था इसलिए मैंने ऐसे किया है. सो इस ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर, ये दो कलर्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है. ये आपको अंदर की साइड पे लगाना है. नाउ दिस इज अ यिन यान बॉर्डर, जिसको हम बोलते हैं यिन यान बॉर्डर बोलते हैं, आगे नहीं और पीछे नहीं, तो साइड पे होता है. तो वैसे ही थंब के साइड पे, यिन यान बॉर्डर पे, आपको ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर बाहर की साइड पे लगाना है, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट आपको ब्लू कलर और रेड कलर का इस्तेमाल करना है. अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ब्लू कलर के सामने ग्रीन कलर है और रेड कलर के सामने ऑरेंज कलर है. सो अगर हेयर लॉस है आपके, आपका, या फिर आपके बालों में अगर कोई डैंड्रफ है या फिर स्प्लिट एंड्स है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है एंड इट वर्क्स. अगेन, इसको आपको 5 से 6 घंटे आपके थंब फिंगर पे रखना है, इंडेक्स फिंगर पे नहीं रखना है. सो आपका जो प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से आप आपके कलर्स को शेड कर सकते हैं. अगर मूविंग ऑन, अगर जैसे मैंने कहा कि बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हम कलर थेरेपी से घर के घर में कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि गिव मी अ सेकेंड, कैन यू जस्ट गेट द बॉटल आई हैड टोल्ड, पिंक कलर और रेड कलर बॉटल. सो जैसे मैंने कहा कि हमारे 7 चक्र है और 7 चक्रों की 7 अलग अलग रंग है, तो ये 7ों रंगों का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. और इन्हीं रंगों को अगर हम पानी में इन रंगों का अगर हम पानी के साथ में यूज करते हैं तो हमारी रेगुलर लाइफ के लिए एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव वर्किंग हो जाता है हर रंग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो. सो नॉर्मली आपको क्या करना है, जैसे आई डू इट रेगुलरली फॉर माई फैमिली, 7 जो रंग है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. मैंने आपको बता दिया वॉयलेट से लेकर रेड तक कौन सा कलर कहाँ आता है हमारे चक्रों में. सो ये 7 चक्र जो है, ये 7ों चक्रों के हिसाब से आपको वो 7 कलर्स लेने हैं. मार्केट में आपको कांच की बॉटल मिलेगी, प्लीज कांच की बॉटल का इस्तेमाल करना है. प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल में ऑलरेडी प्लास्टिक है विच विल हेल्प यू टू हैव कैंसर. तो इसीलिए प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना है हमने सिर्फ कांच की बॉटल का इस्तेमाल करना है. सो कांच की ये 7ों रंगों के जो 7ों रंग, प्लीज स्टार्ट. या सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया मेरी तरफ से. सो जैसे मैं बता रही थी कि 7 रंगों की 7 अलग बॉटल्स, कांच की बॉटल्स आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगी. सो कांच की जो बॉटल्स है, या फिर प्लेन, अगर आपको कांच की बॉटल, कलर वाली बॉटल यानी 7ों कलर की बॉटल अगर आपको नहीं मिल रही है, तो आप मार्केट में प्लेन वाइट कलर की जो कांच की बॉटल आती है, ट्रांसपेरेंट जो बॉटल आती है, उसके ऊपर आप
प्लास्टिक का जो हमारी प्लास्टिक कैरी बैग्स होती है, जो अलग अलग कलर की प्लास्टिक कैरी बैग्स होती है वो लगा सकते हैं, या फिर बलून्स जो होते हैं अलग अलग कलर के वो आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आपकी बॉटल को वो रंग की बॉटल बनाने के लिए। अगर नॉर्मली मुझे बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हम लोग बॉटल को कलर कर सकते हैं क्या, तो कलर अगर आपको करना है तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पूरे बॉटल को सेम कलर लग रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा कलर नहीं लगना चाहिए। अगर आप कलर कर रहे हैं बॉटल को, तो जैसे अगर जो भी कलर है, सातों कलर में से कोई भी कलर है, तो कलर आपका इवन लगना चाहिए बॉटल पे, सेम लगना चाहिए हर तरफ से, वो बहुत जरूरी है। तो वो आपको ध्यान देना होगा अगर आप कलर कर रहे हैं। तो अगर आप प्लास्टिक का उसके ऊपर कोई कवर चढ़ा रहे हैं या फिर आप अगर उसको बलून लगा रहे हैं, तो दोनों में आपको कलर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बॉटल्स में आपको पानी भरना है, तीन उंगली यानी जो हमारी बॉटल है उस बॉटल को थोड़ा खाली रखना है, ताकि जब हम उसको धूप में रखेंगे और उसका जो वेपर जो बाहर निकलेगा तो उसे बॉटल को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो आप वो बॉटल में पानी भरेंगे और वो बॉटल वापस धूप में 6 से 8 घंटे आपको बॉटल धूप में रखनी है, उसमें पानी डाल के आपको बॉटल 6 से 8 घंटे धूप में रखनी है। हर एक रंग की बॉटल जो है उसमें आपको पानी भरना है, धूप में रखनी है, और एक वो बॉटल्स का कलर एक दूसरे के ऊपर, बॉटल की शेडो एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज वी कॉल्ड अ सोलराइजेशन। सो पानी को हम लोग जैसे हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में या बाकी सारी चीजों में, वैसे ही ये कलर में ये कलर की एनर्जी उस पानी में आने के लिए हम लोग सोलराइजेशन करते हैं पानी का। सो ये पानी का सोलराइजेशन करने के बाद में जो भी कलर की बॉटल है, जो भी कलर है उस बॉटल का, वो जो एनर्जी उस कलर में है वो सारी एनर्जी उस पानी में आ जाएगी, और वो पानी जब हम पिएंगे दवाई के जैसे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सातों कलर का मैं आपको आई जस्ट एक्सप्लेन की वील स्टार्ट विद द रूट चक्रा। रूट चक्रा यानी हमारा सबसे जो नीचे वाला चक्रा होता है, जो लास्ट चक्रा हमारा होता है, दैट इज रूट चक्रा। तो रूट चक्रा का कलर इज रेड कलर, और रेड कलर जो है जिनको जो बहुत ज्यादा डरते हैं ना, या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए रेड कलर का पानी हमने दिन में तीन बार दवाई जैसे हम लोग लेते हैं ना बच्चों को, या फिर खुद हम लोग जब साइरप्स पीते हैं, तो उस तरीके से हमने बस वो साइरप ले लेना है दिन में 3 बार। स्पेशली गर्मी के दिनों में हमने ग्रीन रेड कलर की बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेड कलर जो होता है ये ब्लड को एक्साइट करता है, तो इससे हमारे ब्लड का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली गर्मी के दिनों में रेड कलर की बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, रेड कलर का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। लेकिन ठंडी और बारिश ये दोनों टाइम में आप रेड कलर का पानी पी सकते हैं, क्योंकि ब्लड एक्साइट अगर हो जाता है तो हमारी जैसे जलगांव या फिर ऐसी जो प्लेसेस है जहां पे गर्मी ऑलरेडी ज्यादा है, तो अगर एक्साइट हो गया ब्लड तो हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बीपी शूट अप हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए गर्मी के दिनों में आपको रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, रेड कलर का पानी नहीं पीना है। बाकी जो 6 कलर्स है उसका हम लोग पानी पी सकते हैं। सो बट अगर जब ठंडी में जब आप रेड कलर की बॉटल का पानी भर के आप बाहर धूप में रखोगे, उसको सोलराइज करोगे, और वो जब आपको लेना है, तो स्पेशली डर है या आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आपको रेड कलर के पानी का इस्तेमाल करना है। बेसिकली रूट चक्रा का काम है कि इट कीप्स यू ग्राउंडेड, वो आपको अर्थ से ग्राउंडेड रखता है, वो आपको जमीन से करीब रखता है, दैट इज द वर्क ऑफ द रूट चक्रा, और इसीलिए उसको रूट चक्रा बोला जाता है। तो जैसे अगर डर है तो आप बहुत ज्यादा यू नो वी कीप ऑन जंपिंग, वी कीप ऑन मूविंग, सो आप ग्राउंडेड नहीं हो। आप जब खाना खाते हो तो आप बहुत ज्यादा सोचते खाना खा रहे हो, बहुत ज्यादा फिक्र में खाना खा रहे हो, सो यू आर नॉट ओके। और ये सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए आप रेड कलर का इस्तेमाल, रेड कलर के पानी को आप ले सकते हो। मूविंग ऑन, देन इट इज द नेवल चक्रा, दैट इज द ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का पानी जैसे ही हमारे पेट के पास में आता है, नेवल चक्रा है तो बट नेचुरली हमारे पेट के पास में आने वाला पानी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये पानी हमारे
जो पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है हमारे दैट कैन बी क्योर्ड विद दिस वाटर. तो इसीलिए हमको ये कलर का इस्तेमाल करना चाहिए. खाने के बाद में नॉर्मली ऑरेंज कलर की बॉटल का जो पानी होता है ये आपको खाने के बाद में आधे घंटे बाद आपको ये पानी पीना है. बहुत खाने के पहले नहीं लेना है. ये स्पेसिफिक ऑरेंज कलर है जो आपको खाने के बाद में ही लेना है बिकॉज दिस कलर हेल्प्स यू टू कीप योर डाइजेशन प्रॉपर. सो आपको ऑरेंज कलर का जो पानी है वो खाने के बाद में आधे घंटे बाद में लेना है आपको पानी सो दैट उसका इफेक्ट आपके लिए अच्छा हो. ऑरेंज कलर के पानी का सेवन जब हम लोग करते हैं तो उसका फायदा ये भी होता है कि हम जो हमारा विल पावर है वो स्ट्रांग होता है. तो अगर किसी का विल पावर बहुत वीक है, अगर कोई बीमार है और आपको उसको जल्दी ठीक करना है, उसकी विल पावर आपको उसको बढ़ानी है तो उसके लिए ऑरेंज कलर का पानी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा. आपके ब्लड क्लॉट्स अगर किसी को है, अगर खून में जो गांठ हो जाती है तो वो गांठ को रिलीज करने के लिए भी ऑरेंज कलर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है. उसके अलावा अगर आपको एंजाइटी है यानी बहुत टेंशन है, अब क्या होगा, ओ गॉड मेरा प्रोग्राम है, अभी मुझे बैठना है, फिर क्या होने वाला है, तो ये जो एंजाइटी वाले जो लोग होते हैं ना इनके लिए भी ऑरेंज कलर का इस्तेमाल, ऑरेंज कलर का पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो ऐसे कुछ अगर प्रॉब्लम्स है आपके घर में, अगर कोई है ऐसा, तो उनको ऑरेंज कलर का पानी बस दवाई के जैसे आप दे दीजिए. अच्छा, कलर पानी का कलर चेंज नहीं होगा लेकिन वो पानी की जो कलर की एनर्जीज है वो पानी में आने वाली है. बिकॉज मैंने एक जगह सेशन लिया था एंड देन अ पर्सन कॉल्ड मी टेलिंग मैम आपने बोला था कि वो कलर का पानी आपको पीना है लेकिन हमारा कलर तो बदला ही नहीं है. सो इसीलिए मैं बता रही हूँ पानी का कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने बॉटल के बाहर से वो रंग है सो हमने सिर्फ वो पानी जो वो कलर की एनर्जीज है वो उस पानी में आ रही है. तो हमारे उस पानी में वो एनर्जी है और वो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है टू मेक अस नॉर्मल. देन इट कम्स द येलो कलर. येलो कलर जो होता है ये हमारे जो मेंटल स्टेट है हमारा उसको फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ हेल्थ को बढ़ाने के लिए होता है. सो इसीलिए अगर आपको इंडाइजेशन है तो इंडाइजेशन के लिए आप येलो कलर का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आप जितना येलो कलर लेंगे येलो कलर का पानी अगर आप लोग लेते हैं, किसी को पेट की अगर बीमारी हो जाती है जैसे इंडाइजेशन है या फिर एसिडिटी है तो ऐसे इसमें आप येलो कलर का पानी उनको दीजिए, दैट विल हेल्प. येलो कलर का पानी नॉर्मली खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए. और अगर बहुत से लेडीज को होता है ना कि हमको पतला होना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, घर पे बैठे बैठे पतला होना है, तो ये वो कलर है जो आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में. सो आपको खाने से आधा घंटा पहले आपको येलो कलर का पानी, जितनी भी बार आप खाना खा रहे हो, दिन में तीन बार तो हम नॉर्मली खाते ही है, सिर्फ लंच ब्रेकफास्ट और डिनर, ये तीन चीजें तो हम लोग रेगुलरली करते हैं, तो ये तीनों चीजों के आधे घंटे पहले आपको ये येलो कलर का पानी लेना है. दिस हेल्प्स इन वेट रिडक्शन. सो मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट वर्क करता है जिसकी वजह से हमारा चर्बी जो है वो बहुत जल्दी घटने लगता है तो हमारे लिए फायदा होता है. तो ऐसे लोगों के लिए, तो जिनको वजन कम करना है, जिनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट चाहिए कि आपको स्ट्रेंथन चाहिए आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ, तो उनके लिए येलो कलर का पानी बहुत ज्यादा अच्छा होता है. और येलो कलर का पानी हमेशा खाने से पहले लेना है. खाने के बाद लेंगे तो इफेक्टिव नहीं रहेगा. ऑफकोर्स आप पानी अगर ले लो तो ऐसे नहीं होगा कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा कि आपने खाने के बाद ले लिया, बट देन जितना इफेक्टिव वो खाने से पहले होगा उतना इफेक्टिव वो खाने के बाद नहीं होगा. तो इसे येलो कलर खाने से पहले, ऑरेंज कलर खाने के बाद. तो ये दो ही कलर्स है जिनको आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है. उसके बाद में जो फोर्थ कलर है दैट इज अ ग्रीन कलर. ग्रीन कलर इज योर हार्ट कलर. सो दैट इज अ डिटॉक्सिंग कलर जो आपके बॉडी को पूरा डिटॉक्स करता है. सो इसीलिए नॉर्मली देखिए हमारे यहाँ पे जो डिटॉक्सिंग के जो अलग अलग जो पानी हम लोग बनाते हैं उसमें तुलसी या फिर पुदीना ककम्बर ऐसी सारी चीजें हम लोग बहुत डालते हैं विच हैज ग्रीन कलर इन टू इट. सो जितने भी ग्रीन कलर की चीजें हम लोग डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए डालते हैं सो इट इज गिविंग यू द सेम इफेक्ट कि आपने पानी में ग्रीन कलर डाला है और वो आप पी रहे हो. ये हमने बॉटल ग्रीन कलर की बॉटल में पानी बनाया है तो ये पानी आप सुबह सुबह
एज इट इज अ डिटॉक्सिंग वाटर, आप 200 से 250 ml तक का पानी आप पी सकते हो हर रोज सुबह, विच इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. बाकी जो पानी है वो आपको एक या दो चम्मच मैक्सिमम, दिन में 3 से 4 चम्मच आपको बाकी जो दूसरे कलर के दूसरी बॉटल्स का पानी है वो दिन में 3 या 4 चम्मच लेना है. बट सिर्फ एक ग्रीन कलर है जो डिटॉक्सिंग वाटर है, सो आप वो सुबह 200 से 250 ml तक का पानी आप पी सकते हो. इट विल डिटॉक्स यू, कीप योर नर्वस सिस्टम गुड, क्योंकि अगर डिटॉक्स हो जाता है तो बट नेचुरली बॉडी की पूरी गंदगी निकल जाती है, इम्यून सिस्टम आपकी अच्छी हो जाएगी. और इसीलिए डिटॉक्सिंग का जो पानी होता है, अगर आप डिटॉक्स वाटर अगर आप पीते हो तो उसमें हरे रंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, एंड दैट इज वाई डिटॉक्सिंग इज ऑलवेज इन ग्रीन कलर, टू कीप योर बॉडी नॉर्मल, टू रिलीज ऑल द गंदगी आपके बॉडी में से सारी निकालने के लिए डिटॉक्सिंग का ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपने करना चाहिए, और वो पानी आपने सुबह हर रोज पीना चाहिए. आफ्टर दैट इट इज द ब्लू कलर. ब्लू कलर इज योर थ्रोट कलर, तो दिस इज योर थ्रोट चक्रा बेसिकली. तो चक्रा के हिसाब से भी अगर आप पानी पीते हैं या फिर आप ये नॉर्मल में भी पानी पीते हैं तो भी चलेगा ना. ब्लू कलर इज अ कलर विच सफाइज योर थर्स्ट, मतलब आपको अगर बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना, अगर कुछ लोग होते हैं जो दिन में बस पानी पीते ही रहते हैं, हर आधे घंटे के बाद में पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये पानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनको हर रोज दिन में 3 से 4 बार ये ब्लू कलर के पानी दवाई जैसे आप लोग उनको पिला दे, तो ऑलमोस्ट उनके बॉडी में जो थर्स्ट है, जो बहुत ज्यादा पानी पीने की जो इच्छा जो बार बार जनरेट होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और वाटर लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा. और इसीलिए हम लोग जब पानी देखते तो पानी पूरा ब्लू कलर का होता है. अगर आप देखो, आप जब होटल में जाते हो या फिर आप बाहर अगर आप बीच के आसपास जाते हो तो वो पूरा नीला नीला होता है. वो देख के हमको प्यास लगती नहीं है, हम बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं. सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ब्लू कलर. इसीलिए आपके प्यास को अगर हमको कम करना है, ये पानी ऑफकोर्स एनी टाइप ऑफ फीवर आपको अगर मतलब हम लोग नॉर्मली हमको जब टाइफॉइड मलेरिया जॉन्डिस इवन कोविड में भी अगर हमको बुखार आ रहा है तो ऐसे वक्त में भी हम ये ब्लू कलर का पानी रेगुलरली दे सकते हैं. ब्लू कलर फीवर कम करता है, ब्लू कलर आपके अंदर ठंडक पैदा करता है, तो इसीलिए आप ब्लू कलर के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. वो पर्सन को रेगुलरली आप उसको ब्लू कलर दे सकते हैं, जिससे उस पर्सन को बॉडी में जो हीट है वो रिलीज करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा. कफ के लिए भी हाँ, लेकिन अगर उस पर्सन को कफ है, सिर्फ बुखार है तो ठीक है, लेकिन अगर कफ है यानी सर्दी है तो ब्लू कलर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बॉडी ठंडी हो जाएगी तो कफ बढ़ जाएगा. तो इसीलिए हमको अगर कफ है तो ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ फीवर है तो आप ब्लू कलर का इस्तेमाल कीजिए. उसके बाद में आता है द इंडिगो कलर. इंडिगो इज योर थर्ड आई. नाउ थर्ड आई यानी हमारे ये दो जो चीजें हैं ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड आई है हमारा बहुत, जिसमें हम लोग बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा काम हम लोग हमारे दिमाग से ही करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज योर थर्ड आई चक्रा. सो जो बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग हैं ना, जिनको हम लोग ओवर थिंकर्स बोलते हैं, कि बस आज प्रोग्राम है, फिर आज होने वाला है, फिर आज क्या होगा, फिर पता नहीं वो मैंने ये साड़ी पता नहीं मैंने पहली पहनी थी कि नहीं, अभी पहनू कि नहीं, फिर इसके बाद में कौन सी ज्वेलरी पहनू, ऐसे जिनको इतने बहुत सारे सवाल होते हैं ना जिंदगी में, हर चीज के लिए सोचते रहते हैं. खाना बनाते वक्त फिर खाने में किसको क्या पसंद आएगा, फिर ये डालू कि नहीं डालू, फिर उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस दे हैव एंड दे थिंक अ लॉट. सो ये ऐसे जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, ओवर थिंकर्स के लिए वॉलेट कलर का पानी बहुत ज्यादा अच्छा होता है. इनको रेगुलर दीजिए, स्पेशली अगर आपके घर में कोई टीनेजर्स है तो नाउ टीनेजर्स थिंक अ लॉट, क्योंकि वैसे ही वो बेचारे एमिग्डाला से काम कर रहे होते हैं अपने, नाउ दैट इज अनदर थिंग, बट देन टीनेजर्स थिंक अ लॉट, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे, एंड दे डोंट स्पीक अ लॉट, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं बड़ों से, वो अपने अपने प्रॉब्लम्स अपने ही पास में रखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं. तो ये बच्चों को आप अगर रेगुलरली ये इंडिगो कलर का पानी देते हैं तो वो आपके लिए, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है. ऑल्सो अगर आपको नींद नहीं आ रही है रात को, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर रेगुलरली जिनको स्लीप इश्यूज है, जो इंसोम्नियाक है कि नींद ही नहीं आती है रात को, बस पड़े पड़े आंखें खुली रहती है और सोते ही नहीं हो, तो उनके लिए भी इंडिगो कलर का पानी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. यू कैन श्योरली यूज दैट इंडिगो कलर वाटर. सेम प्रोसीजर सिंपल है, आपको हर रोज बस दिन में 3 से 4 चम्मच आपको उस बच्चे आपको
अब जो जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको आपको देनी है एंड धीरे धीरे आपको उसमें चेंजेस ऑटोमेटिक दिखेंगे. आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नींद लाने के लिए या फिर कोई दवाई दूसरी नहीं लेनी पड़ेगी. दैट विल हेल्प यू ऑल्सो एज वी आर लेडीज. तो हमारे लिए स्पेशली हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं. हमको किसी को पेट दुखता है, किसी का बॉडी पेन होता है, किसी को देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स वी फेस एज अ लेडी. सो ये जो लेडीज रिलेटेड इशू है इनके लिए भी पर्पल कलर का पानी पीना इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर प्रॉब्लम्स एज अ लेडी. सो आप पर्पल कलर का पानी जरूर लीजिए एंड गर्मी से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है, हीट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपके बॉडी में, आपको पिंपल्स आ जाते हैं या फिर हीट की वजह से आपको, स्पेशली गर्मी के दिनों में जब हम आम खाते हैं तो आम खाने के बाद में जो बड़े बड़े सारे पिंपल्स हमारे चेहरे पे आ जाते हैं ना, तो ये पिंपल्स को कम करने के लिए भी हम पर्पल वॉयलेट कलर के सॉरी इंडिगो कलर का पानी हम लोग पी सकते हैं विच इज वेरी इफेक्टिव. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वॉयलेट कलर. सो वॉयलेट कलर का जो पानी है ना, वॉयलेट इज योर क्राउन चक्रा. क्राउन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा ऑफ द बॉडी बिकॉज दिस इज द वन दैट कंट्रोल्स योर बॉडी कंप्लीटली. सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल काउंट. यानी अगर आपका रेड ब्लड सेल जो होते हैं हमारे बॉडी में अगर वो कम है तो आप इंडिगो कलर वॉयलेट कलर का पानी लीजिए रेगुलरली पीने दीजिए. स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इनको रेगुलरली वॉयलेट कलर का पानी दीजिए क्योंकि वॉयलेट कलर का पानी इज गुड फॉर इम्प्रूविंग योर कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी एनहांसमेंट. सो मेमोरी अच्छी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बच्चों का बढ़ने लगता है धीरे धीरे. एंड ये सारी चीजें मैंने खुद आजमाई है इसीलिए मैं बोल रही हूँ. आई हैव सीन चेंजेस इन माई सन. मैं ऑलमोस्ट पिछले 6-8 महीने से ये सारी चीजें कर रही हूँ. आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इट वर्क्स वेरी 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 इफेक्टिवली एंड आपको 100% फायदा मिलेगा. सो अगर आपके बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, कुछ याद नहीं रख पाते, इवन मेमोरी लॉस अगर हमको भी हो रहा है, यू नो देयर आर पीपल जब थोड़ा ओल्ड एज आ जाता है तो उनको मेमोरी लॉस होने लगता है, कुछ याद नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी वॉलेट कलर का पानी अगर आप देते हैं तो थोड़ा उनको मेमोरी एनहेंसमेंट में थोड़ा फायदा हो जाता है. तो ऐसे आप कुछ चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको घर के घर में आप अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हो और अपने बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प कर सकते हो, अपने हस्बैंड का स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो, खुद के प्रॉब्लम्स रिलीव कर सकते हो. सो बाकी आप अगर कलर थेरेपी अगर आप बाकी कोई भी तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, नाउ कलर थेरेपी का बहुत अलग अलग इस्तेमाल होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका कोई चक्रा वर्किंग नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते वक्त बहुत तकलीफ होती है तो दे हैव लॉट ऑफ, मतलब किसी अगर कोई बात करनी है किसी को नहीं बोलना है तो यहाँ पे बहुत पेन होने लगता है, गले में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. सो दैट टाइम योर थ्रोट चक्रा इज नॉट वर्किंग. समबड़ी हैज पेन इन द स्टमक, समबड़ी, सो ऐसे बहुत यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कौन सा चक्रा इज नॉट वर्किंग. एंड विद दैट आपके बेडरूम में ये कलर की अगर आप लाइट लगा देते हो तो भी आप कलर थेरेपी का इस्तेमाल अपने ऊपर कर सकते हो. सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाते हैं. यू डोंट हैव रियली हैव टू थिंक अबाउट इट कि मेरा ये प्रॉब्लम है किस तरीके से सॉल्व करूं. सो ऐसी कोई सिंपल चीज है, मतलब ये बहुत सिंपल चीज है, आपको बाहर के बाहर करना है, आपको बॉडी के अंदर कुछ नहीं डालना है, बॉडी के अंदर कोई बहुत ज्यादा दवाइयां वगैरह नहीं डालनी है, तो इसका इफेक्ट बहुत इजी हो जाता है. बट ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगता है ये इफेक्ट्स आने के लिए, बट वंस यू गेट द इफेक्ट्स यू विल 100% नो कि ये कितना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए. सो आप जब सिंपल जैसे हम घर में हमारी जो बेडरूम होती है तो बेडरूम में हम कोई भी कलर की बेडशीट डाल देते हैं, वी थिंक हाँ चलो बेडशीट अच्छी है, मार्केट से खरीद के लेके आते हैं हम लोग डाल देते हैं. बट अगर आप लाइट कलर्स यानी लाइट पिंक है, लाइट ब्लू है, कोई भी लाइट कलर का इस्तेमाल अगर आप बेडरूम में करते हैं, येलो कलर का इस्तेमाल बेडरूम में मत कीजिए क्योंकि येलो कलर इज अ क्रैंकी कलर. अगर आप हस्बैंड और वाइफ बहुत ज्यादा झगड़ते हो तो प्लीज येलो कलर बेडरूम से निकाल डालो क्योंकि येलो कलर झगड़ा बढ़ाने वाला कलर होता है. येलो कलर हम जितना ज्यादा देखते हैं उतना ज्यादा हमें वो क्रैंकी हो जाते हैं हम लोग, हर चीज के लिए नहीं ऐसा क्यों ये, सो वी कीप ऑन फाइटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो येलो कलर का इस्तेमाल बच्चों के आजू बाजू भी बहुत कम होना चाहिए, जो स्पेशली जो छोटे
बच्चे होते हैं जो हमारे क्रेडल में, यानी हमारे जो झूले में जो बच्चे होते हैं ना, उनके भी झूले का कलर है, उनके कपड़ों का कलर है, ये येलो नहीं होना चाहिए, पिंक या ब्लू होना चाहिए, क्योंकि ये कलर्स आंखों को शांत करते हैं, बॉडी को सफाई शांत रखते हैं, तो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े या ज्यादा रोते नहीं है। सो बेडरूम में येलो कलर की बेडशीट अगर हो तो प्लीज निकाल दीजिए। येलो कलर जितना कम से कम आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन पिंक कलर, लाइट कोई भी लाइट कलर, येलो सॉरी ब्लू ग्रीन रेड, मतलब रेड के अगर आप सॉफ्ट कलर्स लेते हैं तो वो पिंक या बेबी पिंक ऐसे कलर्स आ जाते हैं, ऑरेंज कलर, तो ये सारे जो लाइट कलर्स है आपको लाइट कलर्स का इस्तेमाल करना है आपके बेडरूम्स में, विच विल हेल्प यू टू बी विच विल मेक यू फील गुड एंड कम्फर्टेबल। तो ये ऐसे कुछ कलर्स है जो मैंने आपको बताया जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपका 1:45 ऑलरेडी मैंने ले लिए है। बहुत कुछ है बोलने के लिए अगर हम करें तो कलर थेरेपी में, जैसे मैंने कहा राइट फ्रॉम योर ब्रेन टू योर, मतलब अगर आपको साइनस है, अगर आपको स्पॉन्डिलिसिस है, या ऐसी कोई भी चीज के लिए कलर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, दीज आर द प्राइमरी मेडिकेशन दैट यू कैन गिव टू द पीपल। ऐसा नहीं है कि ये कलर थेरेपी आपने ले ली तो आपने आपकी बाकी दवाइयां बंद करनी है, यू कैन नॉट। आपको आपकी बाकी जो रेगुलर दवाइयां है वो आपको लेनी है, लेकिन धीरे धीरे जो आपके प्रॉब्लम्स है वो अंदर से खत्म होंगे। दवाइयां लेने के बाद में आपको बाहर से कोई मेडिसिन आ रहा है विच इज मेकिंग यू कीप फील बेटर, बट देन दिस इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड यू, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट हैपन्स व्हेन यू डू कलर थेरेपी। सो ऐसी कुछ चीजें आप लोग रेगुलर लाइफ में अपने साथ कर सकते हैं, एंड यू कैन श्योरली मेक योर लाइफ अ वंडरफुल एंड अ हैप्पी लाइफ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कलर्स इन्फ्लुएंस अस एंड कलर्स इन्फ्लुएंस योर सोल बेसिकली, तो हमारा जो सोल है वो कलर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो लिव अ सोलफुल लाइफ एंड लिव अ कलरफुल सोलफुल लाइफ। तो आपके अंदर के सोल को अगर आपको जिंदा रखना है, अगर आपको बहुत ब्यूटिफुल रखना है, अगर आपको बहुत ज्यादा हैप्पी रहना है, फ्रेश रहना है, तो ऐसे सारे कलर्स जो आपके आजू बाजू है इन सब कलर्स का इस्तेमाल रेगुलरली करते रहिए। खाने में होगा या फिर आपके जैसे मैंने बॉटल्स में कहा है या फिर आपके बेडरूम्स में है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके में आप इस्तेमाल कर सकते हो इन कलर्स का टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। कनक भाभी प्लीज आप यू कैन टेक ओवर। अगर कोई सवाल होंगे तो जरूर आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब 100% दे सकती हूँ। जी थैंक यू मानसी जी, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी आपने। मैं चाहूंगी कि आप एक बार, आपके पास अगर बॉटल्स होंगी तो वो सिर्फ एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पे। एक्चुअली मैं बॉटल लाना भूल गई हूँ, दैट इज द होल इशू। मैं एक काम करूंगी, मैं आपको ना बॉटल का फोटो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, सो आप वो आपके ग्रुप में डाल दीजिए, तो कांच की बॉटल का आपको डिजाइन मिल जाएगा। मैं 3-4 अलग अलग बॉटल्स के आपको फोटोज भेज दूंगी, सो आपके आप सबके लिए वो इजी हो जाएगा समझने के लिए। अभी चैट बॉक्स ओपन किया है, किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो शेयर कर सकते हैं। प्रियंका जी ने, प्रियंका भाभी ने हैंड रेज किया है, सो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई सवाल है तो भाभी अगर क्वेश्चन मैम मुझे पूछना था कि ये जो कलर है हम कौन से हाथ पे लगाए, राइट या लेफ्ट? दोनों हाथों पे आपको लगाना है, एज मैं बता रही थी तो इसलिए मैंने एक ही हाथ पे लगाया, बट नॉर्मली ये कलर आपको दोनों थम्स पे लगाना है, एक ही थम पे नहीं लगाना है, आपको दोनों थम पे लगाना है, क्योंकि हमारी बॉडी जो क्रिस्क्रॉस है तो दोनों साइड के हेयर को, दोनों साइड की बॉडी को इफेक्ट मिलना चाहिए, इसे दोनों थम्स पे आपको ये लगाना है। हाँ वेलकम। यहाँ पे एक सवाल है, फिंगर थेरेपी का टाइम नेट थोड़ा फास्ट बता सकते हो? ओके, वो जो मैंने फिंगर थेरेपी, ये कलर थेरेपी मेरे ख्याल से जो बताई थी, तोतला भाभी पूछ रहे कि उनको कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम था। ओके, सो बेसिकली आपको ये जो जैसे मैंने कलर लगाया है पूरा फिंगर पे, ये मैंने बाल काले होने के लिए लगाया है, एंड ये आप जब आप रेगुलरली लगते हो अपने हाथ पे, अपने थंब पे, सो इससे आपके धीरे धीरे बाल जो है वो काले होने लग जाएंगे। दैट इज व्हाट आई टोल्ड।
MENC मैन जो है उन्होंने पूछा है कि डेली पानी चेंज करना या स्टोर करना है. ओके, थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा, मैं शायद ये बताना भूल गई थी. सो ये जो पानी है, आप जब एक बार ये पानी बना के रखते हैं तो आप ये पानी 7 से 8 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं. 8वें दिन आपको ये पानी फेंक कर वापस बनाना है. सो व्हाट आई डू नॉर्मली कि मैं संडे को पानी बनाती हूँ, संडे टू संडे इस्तेमाल करके फिर अगले, मतलब अगर आज संडे है तो आज मैंने पानी बना लिया, अगले संडे को सुबह मैंने पानी फेंक दिया, तो मैं संडे के दिन सिर्फ सुबह एक ही बार पानी पीती हूँ क्योंकि बाद में मैंने पानी फेंक दिया है. तो संडे टू संडे मेरा गैप रहता है ये दवाई लेने में, ये पानी लेने में. अदरवाइज तो यानी 7 डेज आप रेगुलरली ये पानी ले सकते हो. सो आपको वो पानी 7 दिन तक आप स्टोर कर सकते हो, हर रोज उसको चेंज करने की जरूरत नहीं लगेगी. सो 7 डेज इज द अप्रोक्सीमेट टाइम. यस, 7 दिन तक आप स्टोर कर सकते हो. क्या पेपर, क्या कलर पेपर भी नहीं, कलर पेपर, पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप बॉटल के लिए, क्योंकि पेपर से जो कलर है वो पेनिट्रेट नहीं होता है, क्योंकि पेपर का ऑलरेडी जो कलर होता है वो वाइट होता है और उस पेपर के ऊपर कलर दिया जाता है. तो इसीलिए आप पेपर का इस्तेमाल ना करें, आप या तो पॉलिथिन बैग है या फिर बलून्स है उसका ही इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा. नो पेपर्स कैन बी यूज्ड. कलर के पानी में कुछ डालना है, शुगर या कुछ, अगर बच्चे हैं और बच्चों को आपको स्पेशली सिर्फ बच्चों के लिए आपको यानी वॉयलेट कलर जो है, वॉयलेट कलर में आप सिर्फ पानी डाल सकते हैं, सॉरी शुगर, शक्कर डाल सकते हैं, बाकी किसी कलर में आपको कोई भी शुगर वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ वॉयलेट कलर के पानी में दीजिए. क्योंकि बच्चों को अगर आपको देना है तो बच्चों को थोड़ा टेस्ट में अगर कुछ डिफरेंस रहता है तो दे एंजॉय टेकिंग द मेडिसिन. सो इफ इट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन तो आप अगर उसमें शुगर डाल देते हैं तो वो दिन भर वो शुगर भी सिडेट हो जाएगी एंड दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू एंजॉय द मेडिसिन. सो सिर्फ बच्चों के लिए आप शुगर डालिए, बाकी आपको कहीं भी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है. उसके बाद में एक और सवाल यहाँ पे है, डेली मेजरमेंट वाइज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर करना या नॉट इशू, कैन यू प्लीज रीड दिस फॉर मी फर्दर. ओके, इट इज डेली मेजरमेंट वाइज वाटर ड्रिंक करना या नॉट एन इशू, कितना भी ड्रिंक कर सकते हैं? नो, आप कितना भी नहीं पी सकते हो, आपको दिन में 3 से 4, 4 से 5 चम्मच ही लेना है. यानी अगर आप मैक्सिमम हर बार अगर आप 2-2 चम्मच लेते हैं, दिन में 3 बार अगर आप 2-2 चम्मच लेते हैं तो उतना काफी है. सिर्फ ग्रीन कलर का पानी है जो आपको सुबह 200 से 250 ml तक लेना है, ये एक ही पानी है जो आप ज्यादा ले सकते हैं. बाकी कोई भी कलर जो है वो आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक ही लेना है, सॉरी 5 से 6 चम्मच ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है. सो दिन में 3 बार 2-2 चम्मच इज मोर देन सफिशियंट, उससे ज्यादा आपको पानी नहीं लेना है. अगर बाल 80% सफेद है तो क्या ये इफेक्ट करेगा? करेगा, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. तो आपको और इस बात पे आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि चेंज होने वाले हैं, क्योंकि द मोमेंट यू हैव दैट ट्रस्ट एंड बिलीव. नाउ मैं आपको टाइम या दिन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वो एक इनर ट्रस्ट भी होता है कि मैंने ये लगा दिया है तो मेरा हो जाएगा. बट इफ आई डोंट हैव दैट ट्रस्ट कि मैंने लगाया पता नहीं होगा नहीं होगा, तो देन थिंग्स विल नॉट वर्क. क्योंकि जब तक वो इनर ट्रस्ट नहीं होता है, थिंग्स डोंट वर्क. बट देन 100% बाल अगर 80% सफेद भी है तो भी इट वर्क्स एंड इट विल हेल्प यू, बट टाइम 100% लगेगा, क्योंकि इतने ज्यादा बाल सफेद हो गए तो थोड़ा टाइम तो लगना ही है. इट विल हैपन वेरी नेचुरली. उसके बाद में कलर के लिए कहाँ के कलर यूज करने हैं, आपको कलर थेरेपी, जैसे मैंने अभी आपको या तो मैंने आपको स्केच पेन बताए हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको थंब पे जो मैंने कलर्स बताए, या फिर अगर आपको हेयर फॉल है तो उसके लिए जो मैंने कलर बताया, तो ये आपको स्केच पेन का इस्तेमाल करना है. और दूसरी जो मैंने चीज बताई वो मैंने आपको कांच की बॉटल का इस्तेमाल बोला है, तो बाकी दूसरे किसी कलर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग वो खाने में नहीं ले रहे या किसी और तरीके से नहीं ले रहे हैं. सो आपको या तो स्केच पेन इस्तेमाल करना है, मार्कर्स इस्तेमाल करने हैं अगर आपको फिंगर्स पे कहीं कुछ लगाना है तो, और अगर पीना, अगर हम लोग वो पानी में यूज कर रहे हैं तो आपको कांच की बॉटल का इस्तेमाल करना है. सो ये दो ही चीजें हैं. तो आप बलून भी ले सकते हैं, क्योंकि बलून बहुत इलास्टिक होते हैं, तो बॉटल के ऊपर वो बलून चढ़ाना बहुत ईजी हो जाता है. या फिर कैरी बैग है, क्योंकि कैरी बैग भी मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होती है वही कलर्स की. सो कैरी बैग्स, बलून्स और स्केच पेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं. सो जो घर में जो सिंपल चीजें हैं वो आपको यूज करनी है. अभी मीना जी सोनी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट किया है,
आप बोलिएगा। ओके नमस्ते, बोलिए। थैंक यू मानसी। वेलकम आंटी, थैंक यू सो मच। 9th मई 2021 ये बहुत याद रहेगा जिंदगी भर। ये मतलब कलर थेरेपी की वजह से आपको याद रहेगा? अरे बाबरी, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया। थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स बोथ हियर ऑन अर्थ एंड अप इन हेवन। सांसों से बंधा है रिश्ता तेरा मेरा, सांसों से बंधा है रिश्ता तेरा मेरा, कोई तोड़ नहीं सकता। नजर भली कमजोर हो जाए पर माँ की नजर से बच्चा दूर हो नहीं सकता, बच्चा दूर नहीं हो सकता। जय श्री राम, जय उमा महेश। माहेश्वरी बहुमंडल औरंगाबाद द्वारा आयोजित मदर्स डे स्पेशल इवेंट में हर दिन आपके सहभाग के लिए हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं। होप आप सबको ये इवेंट्स पसंद आए होंगे। जैसे कि पहले ही डिसाइड हुआ था कि 9th में मदर्स डे से लेकर 15th में इंटरनेशनल फैमिली डे को इस इवेंट का समारोह हो, बट कोविड के हालात के कारण ऊपर से ही ऐसे आदेश आए थे कि 10 मई के बाद जूम पर प्रोग्राम्स महाराष्ट्र में बैन है। तो हमारा जो 15 को यह होने वाला था वो उल्टा हो गया, और ऐसे होते हुए फर्स्ट बहुमंडल के मेंबर्स के लिए गेम रखा गया, फिर अचार मेकिंग, रीमिक्स मसाला, ड्राई फ्रूट अचार, ऑर्गेनिक मेकअप प्रोडक्ट्स, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग व आध्यात्मिक जानकारी दी, नेचुरल आइसक्रीम डेमो रखा हैदराबाद से, ई बैंकिंग सीखी और आज कलर थेरेपी सीखी जो बहुत ही यूजफुल है। मानसी जी, आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भेजूंगी थोड़ी देर में, जो मैंने खुद के स्क्रीन पे रखा है 7 chakras का कलर वाला। यस, आई विल शेयर। और इसके साथ में हमने फिटनेस का ध्यान रखते हुए 3 दिन का जुम्बा सेक्शन भी रखा था, जो रोज सुबह 6:30 बजे होता था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पूरे ही प्रोग्राम्स जूम की कैपेसिटी में फुल थे, काफी लोग वेटिंग में थे। सब सेशन के हमने पीडीएफ दिए, जैसे मैसेजेस आ रहे हैं वैसे अभी भी हम लोग दे रहे हैं। वैसे ही सिर्फ कमिटी ने भी कोविड को बुलाकर, मतलब हमने कोविड को इसको भूलने की कोशिश की है, और डेली खूब थीम एंजॉय किए, जो आपको शीतल, कनक और सुचिता जरूर बताएगी। ग्रुप्स का फुल होना जूम 100 कैपेसिटी में, मैं खुद पीसी रहकर एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहकर ऐड नहीं हो पाई उस दिन। इतनी घबराहट से मैं डायरेक्ट कनक के घर पहुंच गई, और वहां जाकर देखा कि दो लिंक के अरेंजमेंट देखी जो हर्षित व खुशी कर रहे थे। सजेशन सब देते हैं पर समय पर साथ खड़े होना यह बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। पूरे इवेंट्स हम कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन कुछ इवेंट को हमने बाहर गांव के गेस्ट से भी बात कर चुके थे, उनकी डेट ले चुके थे। सब कमिटी की राय व स्नेहल जी सचिवा व कनक जी अध्यक्षा ने अच्छा डिसीजन लेकर पूरा हैंडल किया। समय समय पर सबके विचार व राय से ये इवेंट आज सक्सेस की ऊंचाई के शिखर को छू रहा है। इतना बड़ा इवेंट मैनेज करना व आपसी तालमेल बनाकर समाज के रूल्स के दायरे में बैठकर आज माहेश्वरी बहुमंडल ने अपना नाम रोशन किया है। सबको ओपन करने का कारण यही था कि हमारे समाज के अलावा भी कई समाज ऐसे हैं जिन्हें मंच नहीं मिलता है, और हमने इसलिए इसको जूम पर रखा कि ये जूम पर आसानी से जुड़ सके, और फीस फ्री होने के कारण हद से ज्यादा हमें इसमें सक्सेस मिली। हर कमिटी सदस्य से अभी पूरी डिटेल्स बात नहीं हुई है, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हर कोई को इस इवेंट की सक्सेस के लिए 100 से अधिक मैसेजेस और कॉल आए होंगे। इसके अलावा अगर
हमसे कोई भी छोटी मोटी भूल हो गई हो या मिस्टेक हुई हो तो पूरे माहेश्वरी बहुमंडल की ओर से मैं मीना सोनी आप सबसे क्षमा चाहूंगी। धन्यवाद। जय उमा महेश। थैंक यू भाभी। अभी स्नेहल सोमानी वोट ऑफ थैंक्स देंगी। लास्ट 2 मिनट ही बचे हैं। जय श्री कृष्ण। जय उमा महेश। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं सर स्नेहल सोमानी आप सभी का दिल से अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ, आभार मानती हूँ। सी एस सोनी अंकल जी, रमेश भाऊ लड्डा अंकल जी, सर स्मिता जी मुंदड़ा और सारे अतिथिगण, उनका भी धन्यवाद। और आज जलगांव से पधारे हुए हमारे मुख्य वक्ता सौ मानसी जी भदादा, इनका भी धन्यवाद। इन्होंने हमको बहुत अच्छे से कलर थेरेपी सिखाई। और आज हमारे पीसी सौसी अर्चना जी तोशनीवाल, इनका बहुत सहकार्य मिला, इनका भी धन्यवाद। जूम प्रांगण में पधारे सभी नारी शक्ति, सभी मंडल के सखियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे सौ मीना जी सोनी, इनका भी बहुत सहकार्य मिला ये 7 दिनों में, इनका भी धन्यवाद। बच्चों की जा होती है वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी। Thank you.